हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द दूवर उम्मीद है कि आप सब खेरे से होंगे आज का जो मेरा लेक्चर है ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का मेरा फ़िजिक्स का सेक्शन है ठीक है स्टूडेंट्स और ये फिजिक्स का सेक्शन जो भी स्टूडेंट्स प्री मेडिकल के हैं प्री इंजीनियरिंग के उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है ठीक है स्टूडेंट्स और ये जो सेक्शन है फिजिक्स का आई थिंक ये मेरा थर्ड वीडियो लेक्चर है या सेकेंड है ठीक है स्टूडेंट्स तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके और आप जल्द अज जल्द उन वीडियोस को देख सकें ठीक है सरस तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ड्राइवड क्वान्टिटी तो नीचे में से कौन सी ड्राइव क्वान्टिट्टी है ऑप्शन ए आपके पास मास ऑप्शन बी लेंथ ऑप्शन सी टाइम ऑप्शन डी फोर्स तो मास भी आपके पास जो है वो फंडामेंटल है लेंथ भी फंडामेंटल टाइम भी लेकिन डी ऑप्शन जो है आपका वो है ड्राइव क्वान्टिटीज सो डी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर मीटर न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो आपके पास जो प्रेशर का यूनिट होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड थर्ड जो क्वेश्चन आपके पास वो है डायमेंशन ऑफ फोर्स फोर्स की डायमेंशन क्या होगी एम एल टी पावर माइनस दिस तो फोर्स जो फार्मूला होता है वो होता है मास इंट एक्सलेन तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन पावर माइनस टू फोर्थ जो क्वेश्चन आपके पास वो है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर किसका यूनिट है टाइम डिस्टेंस फोर्स या वर्क तो लाइट ईयर आपके पास जो डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस का यूनिट है तो करेक्ट ऑप्शन बी है फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी है फोर्स टॉर्क डिसप्लेसमेंट या स्पीड तो फोर्स आपके पास वैक्टर टॉर्क भी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर बट योर स्पीड इज एड स्केलर क्वान्टिटी ठीक है जोर्स सिक्स क्वेश्चन आपके पास इन विच क्वाडन इन विच क्वार टू रेक्टेंगुलर कम्पोनेट साइन इन तो कौन से क्वारन में जो भी रेक्टेंगुलर कम्पोन उनकी साइन सेम होती है तो रेक्टेंगुलर कंपाउंड से हम साइन थीटा एंड कौन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा और कौन थीटा की जो साइन होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सेम होती है पॉजिटिव होती है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपके पास नेगेटिव होती है तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सेम होती है तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है ए एंड सी पहले क्वाड्रेंट में सेम पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ठीक है सर सेवन क्वेश्चन है आपके पास स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है डिस्टेंस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन एक्सलेशन है अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो स्पीड अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम होता तो आपके पास वेलोसिटी करेक्ट ऑप्शन था ठीक है सेंड्स एंड एथ जो क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ मोशन इज कार्ड लॉ ऑफ इनर्शिया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड या नन ऑफ दिस तो लॉ ऑफ इनर्शिया हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं तो आपका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड नाइन्थ जो क्वेश्चन आपके पास वो है मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है फोर्स एक्ट ऑन बॉडी मास ऑफ़ द बॉडी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या बोथ तो वो मोमेंटम का जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ठीक है सर्ण्स तो आपके पास मोमेंटम दो चीज़ पर डिपेंड करती है एक तो मास पर दूसरा उसकी वेलोसिटी पर तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है बोथ एंड लास्ट वन जो क्वेश्चन आपके पास टेंथ वो है प्रोजेक्टाइल मोशन इज इन डेस डायमेंशन तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास कितनी डायमेंशन का होता है फर्स्ट एक डायमेंशन टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होता है तो आपका करेक्ट ऑप्शन है टू डायमेंशन ठीक है तो प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशन होता है तो आपका टू ऑप्शन करेक्ट है ठीक है सोन्नस तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्हें हम डिस्कस कर लिया ठीक है सोनस तो और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो इस चैनल को अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दें जो 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 जी सी यू एच की प्रपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद की Thank you for watching. See you in next video.